कोई कितना भी मांगे अपने घर की ये चीज़ कभी भूल कर किसी को मत देना। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आज एक ऐसी ही जानकारी आपको देने आई हूँ। आप लोग बहुत भोले भाले हो, आप लोग बहुत सीधे हो। कोई कितनी भी चालाकी से आपसे कुछ मांग लेता है, उसके मन में छल कपट होता है, आप नहीं समझ पाते, या नहीं भी हो छल कपट, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आपके घर की बरकत होती है और अपनी बरकत कभी किसी पर लुटाई नहीं जाती। ठीक है, दूसरे का हम भला चाहते हैं, लेकिन दूसरे का भला करने की चाहत में अपना बुरा थोड़ी करेगा कोई इंसान। तो इस चीज़ को ही आज बताने आई हूँ, और अपने घर की इन चीज़ों को किसी को वैसे मत दो। मूल्य ले लो, चाहे 1 रुपया शगुन का ले लो, मैं ये नहीं कहती बहुत सारे पैसे लो, 1 रुपया ही शगुन का ले लो, लेकिन वो चीज़ कभी भी आपको भूल कर नहीं देनी चाहिए। विशेष रूप से आज ये जो प्रकाश डाल रही हूँ, आपकी लग्न के हिसाब से डाल रही हूँ। जिनका मेष लग्न है, उनको भूल कर भी किसी को लाल मिर्ची, लाल टमाटर या लाल फ्रूट फ्री में नहीं देना चाहिए। जिनका वृषभ लग्न है, उनको अपने घर का चावल कभी किसी को नहीं देना चाहिए। कोई चावल, दूध या दही आपसे मांगे तो 1 रुपया ले लीजिए, फ्री में बिल्कुल भी मत दीजिएगा। जिनका मिथुन लग्न है, उनको मूंग, अमरूद या पत्तेदार सब्जियां किसी को भी फ्री में नहीं देनी चाहिए। धनिया की चटनी भी उनको अपने घर की किसी को नहीं खिलानी चाहिए। अब आप देखो, इनको मानते हो तो मानो, नहीं तो मत मानो। मेरा काम था आपको सही जानकारी देना, क्योंकि ये चीज़ें इतनी गूढ़ रहस्य की बातें हैं जो आम आदमी के, आम ज्योतिषी तो आपको बता ही नहीं सकता, ये रहस्य की बातें हैं। तो यदि आपको मेरी बातें समझ में आती है तो आप इसे अपनाइए, मैं आपको बाध्य नहीं करती हूँ। कर्क लग्न वाले भूल कर भी किसी को दही ना दें। लोग जामन वगैरह मांगने आते हैं, जिनका कर्क लग्न है उनको भूल कर भी नहीं देना चाहिए। मंगलवार के दिन यदि कोई लाल चीज़ आपसे मांगे तो भूल के भी मत देना, आपकी बरकत नष्ट हो सकती है। सिंह लग्न वाले किसी को भी गेहूं, गुड़ फ्री में ना देवें। जिनका कन्या लग्न है, उनको भूल कर भी हरे पत्तेदार सब्जियाँ किसी को भी फ्री में नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा मटर हुआ या पालक हुआ या धनिया हुआ या इवन आपके घर का कोई प्लांट, आपके घर का कोई प्लांट आपसे मांग कर ले जाता है कि इसकी टहनी, कई बार होता है ना, एक टहनी तोड़कर लग जाती है, ऐसी बेल लग जाती है, तो मत देना, 1 रुपया ले लेना। यहाँ कोई मुझे गलत रूप में मत लेना कि आप तो ये सिखा रहे हो हमको कि हम सोशल ना बने। देखो, सोशल बनो, शगुन का 1 रुपया ले लो, 1 रुपये में तो कुछ नहीं जाएगा, ना देने वाले का ना लेने वाले का, तो 1 रुपया ले लेना। और ये आपकी भलाई के लिए बता रही हूँ, अगर आपको लगता है ये फिजूल है तो मत मानना इसको। चलिए अब बात करते हैं तुला। तुला वाले भूल कर भी चावल और काले उड़द, इवन शनिवार को कोई तेल भी मांगे आपसे तो आपको नहीं देना चाहिए। इससे आपकी बरकत, नौकरी, संपदा, वैभव सब पर संकट उत्पन्न हो सकता है। वृश्चिक लग्न वाले भूल कर भी लाल मसूर की दाल किसी को फ्री में ना देवें। धनु लग्न वाले चने की दाल, केले किसी को भी ना देवें, भूल कर भी आप पर शारीरिक कष्ट आ सकता है। गेहूं और गुड़ देने से आपका भाग्य लूट सकता है। अब हम बात करते हैं मकर। मकर वालों को काली उड़द की दाल, तेल कभी किसी को नहीं देना चाहिए। हम कहते हैं ना, इनका दान करो, लेकिन मकर वालों भूल कर भी मत करना, नहीं तो कष्ट पैदा हो सकता है। और यही चीज़ कुंभ वालों पर लागू होती है। मीन लग्न वाले कभी भी चने की दाल, गुड़ या केले किसी को भी फ्री में ना देवें। ऐसा करने से आपकी घर की बरकत जा सकती है। अब एक चीज़ जो सभी पर लागू होती है वो है चावल, शक्कर। शक्कर तो लोग अड़ोसी पड़ोसी मांगते रहते हैं ना, क्या आपको पता है इससे आपकी बरकत नष्ट होती है? 1 रुपया जरूर लेना जब भी कोई शक्कर मांगने आए, नहीं तो बदले में उससे उसके घर की कोई चीज़ ले लेना, इससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी।